दोस्तों आज हमारी टाइपिंग की दूसरी क्लास है। मैंने आपको पहली क्लास में सिखाया था कीबोर्ड में यहाँ पे जितने भी की दिए हुए हैं किस की को क्या बोलते हैं, और जब पहली बार हम टाइपिंग करना शुरू करते हैं तो जितने भी हमारे फिंगर्स हैं, जितनी भी हमारी उंगलियाँ हैं, कौन सी की पे कैसे प्रेस करना है। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे हाथ में टोटल 10 फिंगर दिए हुए हैं, हम यहाँ पर यूज करते हैं ओनली 9 फिंगर। लेफ्ट हैंड में जो हमारा थंब होता है हम इसका यूज नहीं करते। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ सभी फिंगर्स को कैसे आपको कीबोर्ड पे सेट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा लिटिल फिंगर है ये होता है ए के ऊपर, रिंग फिंगर होता है एस के ऊपर, मिडिल फिंगर होता है डी के ऊपर और इंडेक्स फिंगर होता है एफ के ऊपर। ऐसे ही राइट हैंड साइड की जो हमारी चार उंगलियाँ हैं तो यहाँ पर जो हमारी पहली इंडेक्स फिंगर है ये होता है जे के ऊपर, मिडिल फिंगर के, रिंग फिंगर एल और लिटिल फिंगर ये होता है सेमी कॉलन पर। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डॉट कॉमा इसे हम बोलते हैं सेमी कॉलन। तो ये जो हमारा लिटिल फिंगर होता है ये इसके ऊपर होता है और स्टार्टिंग में कहाँ से करना पड़ता है, जे से। तो कुछ इस तरीके से आपको सेट करना पड़ता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में पहली क्लास में बता दिया था। दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे जी और एच प्रेस करने के लिए हम कौन से उंगली का यूज करते हैं, कौन से फिंगर का यूज करके हम जी और एच प्रेस करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको सभी उंगलियों को ये जो होम रो की है आपको सेट कर लेना है, जैसे मैं आपको पहले बता रखा है ए एस डी एफ और राइट हैंड साइड में जे के एल सेमी कॉलन। अब देखिए दोस्तों जब भी आपको जी प्रेस करना हो तो यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स फिंगर है इसी इंडेक्स फिंगर से हम यहाँ पे एफ प्रेस करते हैं और जी प्रेस करते हैं। ऐसे ही राइट हैंड साइड में ये जो हमारा इंडेक्स फिंगर है इसी से हम यहाँ पे एच प्रेस करते हैं और जे प्रेस करते हैं। तो कैसे प्रेस करना है तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम ए प्रेस करेंगे, फिर एस, फिर डी, फिर एफ, फिर यहाँ पे जी प्रेस करके दोबारा से हम प्रेस करेंगे ऐसे, फिर ये जो हमारा थंब है इससे हम लगाएंगे स्पेस से। सेम ऐसे ही राइट हैंड साइड में आपको प्रेस करना है जे के एल सेमी कॉलन, फिर आपको एच प्रेस करके फिर जे प्रेस करना है, फिर स्पेस लगाना है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे अपने उंगलियों को यहाँ पर सभी की पे सेट कर लिया ए एस डी एफ। और दोस्तों याद रखना टाइपिंग करते समय जो हमारी उंगलियाँ होती हैं इतनी ऊपर नहीं उठेगी, आपको सिर्फ उतना ही उठाना है जितने में हम बटन प्रेस कर सकें। फिर आपको स्पेस लगाना है, फिर जी, फिर एफ, फिर आपको दोबारा से स्पेस लगाना है। ऐसे ही जे के एल सेमी कॉलन स्पेस लगा करके एच जे फिर स्पेस लगाना है। ऐसे दोस्तों आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको बार बार ऐसे ही प्रेस करना है जैसा मैंने आपको बताया ए एस डी एफ स्पेस जी एफ फिर स्पेस लगाना है, फिर जे के एल सेमी कॉलन स्पेस एच जे स्पेस। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है अगर आप ऐसे ही एक घंटे या फिर दो घंटे जितना आपके पास समय है अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 10 दिन की टाइपिंग क्लास में जितने भी की यहाँ पे दिए हुए हैं सभी को बिना देखे कीबोर्ड से हम कैसे टाइप कर सकते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छी खासी आपकी टाइपिंग स्पीड भी हो जाएगी, लेकिन आपको पहले प्रैक्टिस भी करना होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा होम रो में यहाँ पे जितने भी की दिए हुए हैं इन सभी का यूज करने के लिए हम अपनी उंगलियों को कैसे यहाँ पे रखते हैं और कैसे प्रेस करते हैं। दोस्तों आप सभी के प्रैक्टिस के लिए मैंने पैराग्राफ बना रखा है, तो चलिए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों होम रो की के अंदर जितने भी की दिए हुए हैं सभी को प्रैक्टिस कैसे करना है तो आपको खुद से सोचना नहीं है, मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए पूरा ये पैराग्राफ बना रखा है। ये देखिए यहाँ पे जितने भी होम रो की दिया हुआ है सभी की को आपको कैसे बार बार प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया हुआ है जे से, आपको सिर्फ यहाँ पर एक बार इंटर कर देना है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से जैसे पहले दिया हुआ है जे, आपको जे प्रेस करना 3 बार, फिर स्पेस लगाना है, स्पेस लगाने के लिए थंब का यूज करते हैं, ऐसे आपको जे प्रेस करना है फिर थंब लगाना है। दोस्तों एक ही की को पहले बार बार आपको प्रेस करना है जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखिए। इसके बाद फिर दिया हुआ है के, स्पेस लगा करके फिर आपको के प्रेस करना है स्पेस, फिर के, फिर स्पेस, फिर यहाँ पे दिया हुआ है के, ठीक है, स्पेस के स्पेस, फिर दोबारा से यहाँ पे जे है आपको जे प्रेस करना है स्पेस, फिर यहाँ पे दिया हुआ है के स्पेस, अगर 3 बार दिया तो 3 बार प्रेस करना है और 2 बार दिया तो 2 बार प्रेस करना है। ऐसे दोस्तों जितने भी की दिए हुए हैं आपको एक एक करके प्रेस करना है। और देखिए सबसे नीचे में यहाँ पे दिया हुआ है सभी की का कॉम्बिनेशन जहाँ पर ए भी है, एस भी है, डी भी है और एफ भी है, और आज मैंने आपको बताया है जी और एच के बारे में। तो यहाँ पर सभी की का कॉम्बिनेशन है, आपको कुछ नहीं करना है, अपने उंगलियों को आपको सेट कर लेना है कीबोर्ड पर और जो की आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आपको प्रेस करते जाना है। ये देखिए पहले ए दिया हुआ है तो यहाँ मैंने प्रेस किया स्पेस लगा करके, अब दिया हुआ सेमी कॉलन तो आपको सेमी कॉलन प्रेस करना है। ये देखिए
तो अगर आप मुझसे नहीं भी बोलेंगे ना तो जो भी की यहाँ पे दिया हुआ है बस ऐसे आपको देखना है और प्रैक्टिस करते जाना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों दी गई जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। होम रो में जितने भी की दिए हुए हैं इन सभी का आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टाइपिंग का कम्प्लीट कोर्स करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का बटन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में।